हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो फर्स्ट अपडेट जो है वो करण औजला की साइड से है। तो करण औजला की उनकी एल्बम में से जो ट्रैक आने वाला है, फर्स्ट ट्रैक, उसका पोस्टर ड्रॉप हो चुका है। तो गाने का नेम है चू गोन दो। तो ये एक पंजाबी शब्द है जहाँ तक मुझे पता चला है, और इसका मतलब होता है तुम क्या करने वाले हो। तो ये गाना कल ड्रॉप होने वाला है स्पीड रिकॉर्ड से, तो आप लोग वेट कर सकते हो इसके लिए। तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो भगत की साइड से है। तो कल के वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि भगत का एक कोलैबोरेशन देखने को मिला है साथ खान के साथ में। तो अभी एक और कोलैबोरेशन आने वाला है भगत का, जो कि होगा उमेर अंजुम के साथ में। तो भगत की तरफ से ये स्टोरी आई थी और साथ ही उन्होंने KDM को टैग करा हुआ है। तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो बोहेमिया पाजी की साइड से है। तो बोहेमिया पाजी का काफ़ी जल्दी एक लाइव होने वाला है, एक लाइव कॉन्सर्ट। तो ये स्टोरी आई थी बोहेमिया पाजी की तरफ से और साथ ही एक पोस्ट भी आई है जिसका कैप्शन कुछ ऐसा है, हैव यू सीन मी परफॉर्मिंग एट अ लाइव शो। तो पहले तो लग रहा था कि ये शायद इंस्टा लाइव भी हो सकता है, पर जब ये पोस्ट आई है तो इससे कंफर्म हो जाता है कि लाइव शो होने वाला है। तो अब ये कहाँ पे होगा, जल्दी डिटेल्स शेयर होने वाली है, तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करो। अगली खबर जो है वो मूफाड़ की साइड से है। तो मूफाड़ का भी ट्रैक आउट हो चुका है जिसका नेम है मेरे यार। तो मूफाड़ ने इसका हुक पहले ही सुना दिया था, पर अभी म्यूजिक के साथ सुनने में वो काफ़ी सही साउंड कर रहा है। तो मुझे ये ट्रैक काफ़ी सही लगा, आप लोग बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा है। बाकी बात करें सबलिमिनल्स वगैरह की, तो हमेशा की तरह इस ट्रैक में भी कुछ सुनने को मिल जाएंगे। अब वो लिसनर टू लिसनर डिपेंड करता है कि वो इसको किस वे में लेता है। वैसे एक पॉलिटिशियन वाली लाइन भी है। खैर, आप लोग का इस ट्रैक के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स में बताना। तो अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो हनी सिंह और बादशाह की साइड से है। तो अरिजीत सिंह ने एक ट्वीट शेयर करा है जिसमें इंडिया के जो टॉप स्पॉटिफाई आर्टिस्ट है उनकी नंबरिंग करी गई है उनके फॉलोवर्स के हिसाब से। तो अरिजीत सिंह इस पर टॉप पे है 28.5 मिलियन फॉलोवर्स के साथ, और बादशाह जो है वो थर्ड नंबर पे 12.7 मिलियन के साथ, और हनी सिंह जो है वो 8th नंबर पे 6 मिलियन के साथ। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो किड शॉट की साइड से है। तो किड शॉट की तरफ से एक पोस्ट आया है जिसमें वो लिखते हैं कि उनको कोलैबोरेट करना है किसी म्यूजिशियन के साथ। तो उनकी जो ऑडियंस है वो उनको कोई सा म्यूजिशियन सजेस्ट करे जिनके साथ वो कोलैबोरेशन करेंगे। तो क्या लगता है आप लोगों को, किसके साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए किड शॉट को। तो अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो रायचू की साइड से है। तो सजाए मौत रिफिक्स पहले अपलोड कर चुके हैं रायचू, तो अभी वो फिर से सजाए मौत का रिफिक्स करने वाले हैं, और उनका ऐसा कहना है कि ओरिजिनल से ये ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद से वो अपनी एल्बम पे भी वर्क कर रहे हैं जो कि वो जल्दी ड्रॉप करेंगे, और उसमें काफ़ी आर्टिस्टों के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है। तो अब इंटरनेशनल अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो लिल बेबी की साइड से है। तो लिल बेबी ने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी डाली है जिसमें वो लिखते हैं शुड आई ड्रॉप द सॉन्ग एंड वीडियो। तो गाना यहाँ पे आप लोग सुन सकते हो। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो नेली चौपा की साइड से है। तो इनकी तरफ से एक ट्वीट देखने को मिला है। तो उस ट्वीट में उनका कुछ ऐसा कहना है कि वो अब और म्यूजिक नहीं करना चाहते हैं और अब वो फुल टाइम हर्बलिस्ट बनना चाहते हैं। तो ट्वीट कुछ ऐसा है, फाइना बाय आउट माई कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम फुल टाइम हर्बलिस्ट, फॉरगेट द म्यूजिक स्टफ, अबाउट द हेल्प माई पीपल। तो इसी के साथ मिलता हूँ आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।